नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें टेकी दिनेश लेटेस्ट टेक वीडियो के लिए और घंटी दबाकर पाएं टेक नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेकी दिनेश में। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं वीलुकअप के ऊपर। तो हम में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है वीलुकअप का यूज़ करते हुए, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि आप वीलुकअप का यूज़ कैसे करेंगे, अगर आपको बीच में कुछ एरर आता आपको कैसे रिजोल्व करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वीलुकअप लगाना काफ़ी आसान लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपका इसका पूरा डेमो अपने एक्सेल में करके दिखाता हूँ, तो आप बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीलुकअप के बारे में बता रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक जान जाएंगे कि हम वीलुकअप को बड़े आसानी से कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो वीलुकअप से हमें क्या समझ में आता है, तो ये लिख लीजिए और हम इसको अब सेपरेट कर देंगे। ये मैंने कर दिया। ये वी का मतलब होता है वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ये कॉलम, और ये होता है हॉरिजॉन्टली जो रोज होती हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो लुकअप होता है मींस आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो वो लुकअप होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, इन दोनों में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका डाटा रहता है वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, शॉर्ट हो चाहे ना हो, वो आपका इजीली लग जाता है उसमें। और जो अकेला लुकअप होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो डाटा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जैसे एक के बाद पाँच आ रहा है, छः आ रहा है, तो उसमें वो जो वी लुकअप के कंस्ट्रेंट्स हैं। बट वील जो लुकअप होता है उसको आप चाहे वर्टिकली लगाइए चाहे हॉरिजॉन्टल यूज करिए, आप दोनों तरफ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं वी लुकअप कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक डाटा, छोटा सा अपना डाटाबेस बना रखा है एक छोटी सी कंपनी के लिए। तो ये रहा इस तरह की, इसमें ये आपको चार कॉलम दिखेंगे। और दोस्तों, इसमें क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ के नाम हैं और ये उनकी सैलरी है, ये उनकी कुछ डेजिग्नेशंस हैं और ये सिटी का नाम दे रखा है। तो दोस्तों, अब मेरे पास एक शीट है कि मुझे ये जानना है कि ये मेरे पास पांच एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये जसप्रीत है, ये हर्ष गुप्ता है, अरुण है, अमर है और अमन है, तो इनका सैलरी कितना है, इनकी डेजिग्नेशन क्या है और ये कौन से सिटी में रहते हैं। तो मैं अगर एक एक करके ढूंढूंगा तो मुझे काफ़ी सारा समय लगेगा। तो उस समय से बचने के लिए मुझे, अगर मुझे अपना काम जल्दी से ख़त्म करना है और ईज़िली मुझे इस डाटा के बीच में से ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मैं वीलुकअप का सहारा लेता हूँ। तो देखिए, जो वीलुकअप का एक सिंटेक्स होता है उसको ध्यान से आप देखिए और उसको सीखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जिस जिस टैब में आपको वैल्यू चाहिए आप वहाँ जाइएगा, ठीक है। अब ये देखिए, आपको इनके बारे में पता करना है, ये पांच स्टाफ के बारे में, ये कितनी सैलरी आती है इनको, जो ये एक डाटाबेस मैंने बना रखा है इसमें से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इजिकल टू दबाएंगे, वीलुकअप लिखेंगे, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या आप टैब यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम इन बंदों की सैलरी ढूंढ रहे हैं। तो या आप इसको सेलेक्ट कर लो या आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कोमा दबाया आपने, कोमा दबाने के बाद ये क्या कह रहा है, टेबल एरे, टेबल एरिया मीन्स आपका जो डाटाबेस है, छोटा सा जो डाटाबेस है। तो आपके सैलरी कहाँ तक जा रही है, एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम तक जा रही है, तो आप यहाँ तक इसको डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चारों तक कर देंगे तो कोई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये किया, अब आपका सैलरी कहाँ था, ये दूसरे कॉलम में था, तो दो दबाया। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि इन बंदों की सैलरी कितनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगी, आप यहाँ पर ज़ीरो का यूज़ करेंगे, फिक्सड आप अपना जो क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे और एंटर दबा देंगे। अब क्या करेंगे, ड्रैग डाउन कीजिए, अब इजीली ये निकाल पाएंगे। जसप्रीत हैं जो, उनकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो अगर आप इस डाटा में आएंगे तो जसप्रीत हैं ये 50,000। आप अमर हैं, रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ आपको, 43,200 रुपये, अमन है 44,500 रुपये, तो ठीक है। अब आइए इनकी डेजिग्नेशन ढूंढते हैं। तो इजिकल टू वी लुकअप, वी लुकअप के बाद क्या करें, लुकअप वैल्यू मीन्स हमें इनकी जो ये बंदों की डेजिग्नेशन ढूंढ रही है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए या आप कॉलम, आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए, कोमा। आपका टेबल एरिया मीन्स आपका जो डाटाबेस, आपने जो जहाँ पे आपका डाटा रखा हुआ है, तो उस डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए, ठीक है।
अब ये डेजिग्नेशन कॉलम कहाँ आता है? 1 2 3, 3 में आता है तो 3 लिखिए, फिर क्या कीजिए आप, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप 0 यूज़ कीजिए और अपने ब्रैकेट को फिर क्लोज़ कीजिए और एंटर दबाइए। फिर इस यहाँ से आप इसे ड्रैग कीजिए, ड्रैग करने के बाद देखिए आप के पास क्या आ गया। जसप्रीत जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो देखिए जसप्रीत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, अरुण कुमार देख लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, तो इस तरह से आप, मैं जल्दी जल्दी से आपको सीटी का निकाल के दिखा देता हूँ और फिर मैं कुछ आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। कोमा, हमारा जो डेटाबेस है हम वहाँ जाएंगे, ये मुझे गलती से क्लिक हो गया तो छोड़िए इसको, इसको हम ड्रैग कर देते हैं ऊपर। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने डेटाबेस को, ये मुझे सीटी अभी फोर्थ कॉलम पे मिल रहा है तो कोमा दबा के फिर मैं 0 यूज़ करूँगा। और ये देखिए ये मेरे पास डाटा आ गया, ये आ गया। सपोज़ कर लीजिए मुझे देखना हर्ष गुप्ता कहाँ रहते हैं, तो हर्ष गुप्ता रहते हैं बठिंडा। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसान तरीके से आपने ये डाटा, इतना छोटा सा डाटा जो था आपको, मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पे 10,000 को, आपके पास 4 कॉलम है उसमें 10,000 आपके पास ये एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपको किसी से का भी पता लगाना, तो आप इजीली वीलुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का जो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा वीलुकअप लगाते हुए, वो देखिए ज़रा मैं आपको बताता हूँ, जो गलतियाँ जो हमसे होती हैं और उसके चक्कर में फिर हम भूल जाते हैं हमें वीलुकअप कैसे यूज़ करना है, तो उन चीज़ों को मैं दूर कर दूंगा ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर आपको कभी नहीं भूल पाएंगे आप जो वीलुकअप है अभी आप सीख पा रहे हैं जो। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर मान लीजिए ये मैंने एक UID मतलब एक नंबर ले रखा है इजीली कोई भी, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पूरा नंबर दिख नहीं रहा, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं तो कुछ ये फंक्शन बार में पूरा दिख रहा है, क्योंकि होता क्या जो शीट होती है वो 15 डिजिट तक वो जो नंबर लेती है, अगर आप इस पे एक डिजिट और ऐड कर देंगे तो उस नंबर को वो 0 में डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हैश ट्रॉफी एक और रहता है उसको आप यूज़ करते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने 2 यूज़ किया, स्टार्टिंग में मैंने हैश ट्रॉफी यूज़ कर लिया, तो देखिए आपका नंबर नहीं बदला, ठीक है, आप वही नंबर यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये हटाइए और ये आपको, आप इसके क्या कीजिए फॉर्मेट कर लीजिए, फॉर्मेट भी नहीं है करना वैसे भी ये ठीक है, तो फॉर्मेट की आपको जरूरत, फिर भी आप कर लीजिए इसको फॉर्मेट, डेसिमल प्लेस रिमूव कर लीजिए, ओके कर लीजिए, तो ये डेटा आ गया आपके पास, तो मैं ये चाहिए नहीं था वैसे भी, तो ये डाटा है। तो आप मान लीजिए आप ये वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, इसके आगे किसका नाम है, यहाँ से तो चलो ये तो थोड़ा थोड़ा सा डाटा आपको दिख गया कि इसका नाम सन्नी है, बट अगर आपका काफ़ी सारा डाटा होता, मान लीजिए इस कॉलम में आपका जो वैल्यूज़ 1,000 वैल्यूज़ होती, 10,000 वैल्यू होती, तो आप कैसे देखते हैं? तो जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ अभी दोस्तों ध्यान से देखना, जो गलती सारे यूज़र करेंगे अभी, मतलब अगर मैं दिखा दूँ इसमें एक मैंने छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रखी है, तो अगर आप, चलो मैं आपको गलती करके दिखाता हूँ जो आप करेंगे, वैसे मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने भी ये चीज़ सीखी थी तो मुझसे भी काफ़ी गलतियाँ हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये वीलुकअप यूज़ करना है। तो क्या हुआ, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मैं ये लुकअप वैल्यू मेरी ठीक है, कोमा दबाया मैंने, इसको थोड़ा ऊपर किया, मेरी जो डाटाबेस, अब छोटा डाटाबेस है इसमें मुझे डाटा देखना है, तो ये रहा, क्योंकि मेरे को UID और नाम इसी डाटा में है जो मुझे यहाँ पे नाम रिट्रीव करवाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कोमा, ये दूसरे कॉलम पे था, कोमा, तो और 0 कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो n आ गया, मतलब ये कुछ नहीं फाइंड कर रहा, ज़रा इस पर क्लिक करते हैं हम, तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये आपको एक ये दिखा रहा है क्वेश्चन का साइन दिखा रहा है, अब ये बोल रहे हैं इसकी गाइडलाइंस पढ़ लेते एक पे, अभी ये गाइडलाइंस बता नहीं रहा, वैसे इसमें गाइडलाइंस आ जाती है, इसको रिमूव करते हैं हम, इस नंबर के ऊपर लेके जाते हैं, ये क्या है, एक इग्नोर एरर है, या एक मिनट, अब ये देखिए दोस्तों ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर स्टोर हुआ है एज अ टेक्स्ट स्टोर हुआ है, क्योंकि जिसमें एस्ट्रोफी हमने यूज़ कर लिया है, तो इसने जो हमारे जो नंबर को है वो टेक्स्ट में कर दिया, टेक्स्ट मतलब जो ABC है, जो हमारा ये जो करेक्टर है इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये एरर डिस्प्ले नहीं कर रहा, बट काफ़ी टाइम में ये चीज़, ये एक मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे शो कर दे ये, तो ये मैंने वैल्यू रखी,
अभी दोस्तों चलो इसमें दिखा नहीं रहा, बट काफ़ी काफ़ी बार ऐसा होता है यहाँ पे आपको ये दिखा देगा, जब आपका जो ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, गलत आएगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि जो ये आप नंबर जिसके साथ आप सर्च कर रहे हैं ये टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है, और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको आपको नंबर में चेंज करना पड़ेगा, जो आपका डाटाबेस में जो डिटेल है उससे उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एस्ट्रोफी जो साइन है इसके आगे हटा देता हूँ, तो मैंने ये हटाया, तो ठीक है अब आपके पास ये चलो ओके है। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये रही, कोमा मेरा जो टेबल एरे है या डाटाबेस कह सकते हैं, इस पे गया, मैंने दूसरे कॉलम पे था, ओके किया, फिर ज़ीरो दबाया, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंटर किया, तो सनी इजीली मेरे को आ गया। तो पहले जब ये टेक्स्ट के फॉर्म में था ये नंबर, तो मेरे को ये एनए बता रहा था, मतलब मुझे कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा आपका न्यूमेरिक था, ये था आपका टेक्स्ट में मतलब करेक्टर में, तो वो कैसे सर्च करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये दोनों चीज़ें सेम रहनी चाहिए जब आप वीलुकअप यूज़ करेंगे, काम रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, तो बने रहें टेकी दिनेश के साथ।